हेलो हाय सलाम नमस्ते, मेरा नाम लाल है। मैं आप सभी को वेलकम कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फितूर पे। और आज हम अपने स्टूडियो में बुलाए हैं नौशाद भाई को। नौशाद भाई को क्यों बुलाए, क्योंकि ये पप्पू यादव के बहुत बड़े फैन हैं। उनकी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो हर जगह पप्पू यादव जी के बारे में बात करते हैं। और यही वो वजह है जो मुझे लगा कि नौशाद भाई को बुलाना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर पप्पू यादव जी के अंदर ऐसा क्या है जो उनकी चर्चा इनके होंठों से रुकती नहीं है। जैसा कि अभी उनकी तारीफ तो मैं ही नहीं पूरा बिहार कर रहा है जी, इस वजह से कि जैसे अभी चमकी बुखार बिहार में आया था जी, उन्होंने हर घर में दवा अपने पैसे से दिए थे जी। एक तो ये कारण है जी। सैलाब भी आया था पटना में जी, खुद पटना के अंदर में जी तैर करके जी, हर घर के अंदर में जी अनाज पैसा जो भी होता है घर का राशन वगैरह जी सब लोगों मुहैया करवाए जी। इनकी ये है कुछ खासियत जी। और बिहार के रहने वाले गरीब गुरबा जो भी है, दिल्ली एम्स हो और भी कोई हॉस्पिटल में हो, इलाज कराने जाते वहाँ घर नहीं मिलता है जी। इस वजह से वो अपने संसदीय क्षेत्र संसदीय आवास, अच्छा वो जो दिल्ली में सांसद लोगों को मिलता है हाँ, जी, जी, हाँ रहने के लिए, वो अपने संसदीय आवास पे हाँ, गरीबों को रहने के लिए दिए। अच्छा भोजन का भी इस्तेमाल वो अपना खुद पैसे से, अच्छा भोजन भी कराते थे और रहने के लिए घर भी देते थे पप्पू यादव जी। जी जी, इस वजह से उनकी खासियत है। तो इन सारी चीजों ने आपको बहुत इंस्पायर किया और मतलब ऐसा लगा कि ये इंसान, इसे बिहार की राजनीति में और आगे तक जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब अपने लेवल पे, तुम जहां तक मेरी मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आपकी सोच जैसी है उस हिसाब से तो आप काफी हद तक पार्टी का प्रचार भी करते होंगे, पप्पू यादव जी का प्रचार भी करते होंगे। प्रचार करती रहते हैं अपने फेसबुक व्हाट्सएप जी इस माध्यम से जी, इतना हमको मौका नहीं मिलता है जी के बाहर निकल करके करे जी, कि अपना भी बिजनेस है जी जो सऊदी अरबिया में है जी। क्या चीज का बिजनेस है? एसी टेक्निकल का। एसी टेक्निकल, इस वजह से हम लोग को मौका नहीं मिल पाता। अगर मौका मिले तो अपने बेनीपट्टी क्षेत्र के लिए जी, जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार पार्टी जी जी जी। तो मतलब आप चाहते हैं कि आप जन अधिकार पार्टी में कोई पद पे जाए ताकि आप खुल करके कुछ अच्छा कर सके? पद पे जाना हमारा कोई मकसद नहीं है जी, उसके साथ मजाक करके गरीबों का काम हो। अच्छा, आप जन अधिकार पार्टी से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि पप्पू यादव जी की पार्टी है जी, और मतलब पप्पू यादव जी मतलब एकदम नीचे के लेवल से काम करते हैं, मतलब उस जन तक जाते हैं जहां पे लोग मतलब जाना नहीं पसंद करते। लोग ज्यादातर ऊपर ऊपर लेवल पे ही काम करते हैं, लेकिन पप्पू यादव जी काफी नीचे तक काम करते हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि पप्पू यादव से जुड़े ताकि वो जो आखिरी लाइन में है, वो जो आखिरी बंदा है, उस तक मतलब मदद पहुंच सके। जी जी, तो और कुछ ऐसा पप्पू यादव जी के बारे में बताइए जो कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा काम जो मतलब लोगों को ऐसा लगे, इंस्पायरिंग लगे। जैसे हमारे मुसलमानों में जी रहनुमाई करने वाला भी कोई नहीं है जी, वैसे जी बोला जाए तो कांग्रेस भी है जी, लालू यादव जी है जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे कि अभी एनआरसी के मौके पे, एनआरसी के मौके पे जी, एनआरसी के मौके पे हम लोगों ने दो मरतबा बुलाया उनको हाँ, बेहिचक वो आ गए। अच्छा, आपने बुलाया कि आप आइए ताकि हम लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएं जी, और वो बेगैर सोचे समझे आ गए जी। जी नजरा में, नजरा में दो मरतबा है, दो मरतबा है जी, और औसी जीरो माइल पर भी तीन मरतबा है वो, औसी जीरो माइल पर भी तीन मरतबा है जी। इस तरह से बहुत सारा उनका ये है जी, इत्तेफाक लगता है कि जिस टाइम में कॉल कीजिए उनको हाजिर रहते हैं। अच्छा, मतलब एक ऐसा हीरो जो सुपरमैन की तरह है जी, आदमी पुकारे नहीं और आ जाए जी। आज बिहार के सुपरमैन बने हुए हैं पप्पू यादव जी 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 जी। इसी तरह से भावना झा जी है, यानी यहाँ भावना झा कांग्रेस से विधायक है जी जी, उनको बुलाया गया तो वो नहीं आ पाए। अच्छा, भावना झा जी जो है हाँ, वो सत्ता में रहते हुए और उनका मतलब पार्टी का एजेंडा भी है, मतलब वो उनका पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी कहलाती है जी, और वो नहीं आए, और पप्पू यादव जी जो जिनका ये इलाका नहीं है वो यहाँ आ गए। ये सारी बातें आपको बहुत
मतलब इंस्पायरिंग लगी, मुझे भी इंस्पायरिंग लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जो अपना इधर का एमएलए है वो आपकी प्रॉब्लम सुनने नहीं आ रहा है, और एक आदमी जिसका इधर कोई जनाधार नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम सुनने एक कॉल पे कई कई बार आ जाता है। जी जी, तो ये तो वाकई मतलब कोई ऐसा लगता है कि ये सुपर नेता है, और बिहार का सुपर नेता मुझे लगता है कि मैं भी आज से ये मानूंगा कि पप्पू यादव जी बिहार के सुपर नेता है, और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत फैन हो गया हूँ आपकी बातें सुन करके, और मैं भी कभी कभी वीडियो देखता रहता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो कुछ और कहेंगे आप हमारे ऑडियंस से कि पप्पू यादव जी से जुड़े कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? ये बोलेंगे उनके साथ में समर्थन दें और बिहार के सत्ता में उनका हिस्सेदारी हो जी, के उनके इलाके में काम हो जी। अभी जैसे कांग्रेस और आरजेडी जी दोनों समर्थन में मिल रही है जी, गठबंधन बना रही है जी, उसमें भी उनको पार्टी प्रेजेंट मिलना चाहिए जी, जिसकी वजह से सत्ता में हिस्सेदारी हो, सत्ते में हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए जी। जब तक सत्ता में नहीं आएगा जब तक कोई काम नहीं होने वाला है जी। मतलब एक आदमी जो आपकी मदद करना चाहता है, आप उसे जब तक आगे नहीं लाएंगे, सत्ते में हिस्सेदारी नहीं देंगे, तब तक वो आदमी मतलब आपकी ऐसे मदद नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा। मतलब कोई आदमी अगर पैदल चल रहा हो तो वो थक जाएगा, अगर उसे गाड़ी दे दीजिए तो वो आप मतलब दूर तक जाएगा। तो पप्पू यादव जी को दूर तक लाना है, इसलिए सत्ते में हिस्सेदारी जरूरी है जी। आपका मानना है जी? तो मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रोग्राम यहीं एंड करना चाहिए, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको, और ऑडियंस मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पप्पू यादव जी के फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पप्पू यादव जी की पॉपुलैरिटी बढ़े, सत्ते में हिस्सेदारी बढ़े। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।